हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और वही आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नोवल एकेडमी नरवाना के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसे ही आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए हमने अपनी मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम 12 टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आइए नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं। और ये टॉपिक आपके एडवांस मैथ से रहेगा। टॉपिक का खासकर जिक्र किया जाता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री है एडवांस मैथ में से, मैन है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा और हम पढ़ चुके हैं, अपनी क्लासेस कर चुके हैं, तो आइए जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और साथ ये नहीं कि भाई ये टॉपिक आपको पहली बार देखने को मिलता है, सबसे पहले इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होता है आपसे वो होता है 10वीं क्लास के अंदर। लेकिन वहाँ से हम कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते, क्योंकि नए नए आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, उस टाइम पे इतना अच्छे से इनको क्लियर नहीं कर पाते। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनका खुश अच्छा ही रोल रहता है, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। तो आओ उन क्वेश्चन को पूरा करें, कंप्लीट करें और देखें कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने कैसे हैंडल करना है और कितने आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जा सकता है। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, सबसे पहले हमें उसके नाम से शुरुआत करनी चाहिए, और नाम से शुरुआत होने के बाद पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता जाता है। और आपने देखा होगा हमारे जितने भी चैप्टर हुए हैं या फिर जितने भी चैप्टर होने वाले हैं, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? चैप्टर के नाम से ही करते हैं। चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करना सबसे अच्छी बात होती है, ताकि चीज़ आसानी से हमें क्लियर हो जाए। तो अब जो करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट और अपना एक या दो नंबर बिल्कुल पक्का करते हैं, ठीक है ना? बड़े आसानी से समझते हैं। तो देखो, हिंदी सबसे शुरुआत करते हैं भाई। मैं इसको तीन भागों में तोड़ लूँगा। एक तरफ हो गया त्रि, एक तरफ हो गया कोण, और एक पार्ट में हो गया क्या? मिति। त्रिकोण मिति, ठीक है। और यदि इंग्लिश वर्ड की मैं बात करूँ, इसको भी तीन भाग में तोड़ लूँगा, ट्री और गोनो या मेंट्री। ओके, यहीं से सन समय मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोण मिति है क्या। देखिएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा त्रि, त्रि मतलब हम समझते हैं क्या होता भाई, तीन। त्रि मतलब तीन। कोण, कोण मतलब एंगल। एंगल क्या होता है, ये बात हमारी समझ में आना जरूरी है। कोण किसे कहते हैं? कोण क्या होता है, जो कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, यहाँ पर मैं खींच दूँ, मान लीजिए एक लाइन है और एक दूसरी लाइन इससे जुड़ी हुई है। अब ये दूसरी लाइन जो खींची गई है, इसको कितना घुमाकर खींची गई है, यदि मैन डेफिनेशन की बात करूँ। अब ये जितना ज़्यादा घुमा के खींची जाएगी ऊपर की ओर, उतना ही बड़ा कोण होता जाएगा। मान लीजिए एक लाइन ये खींच दी, तो अब इतनी घुमा दी, ये इतनी घुमाई थी, एक लाइन और खींच दी, ये और ज़्यादा घुमा दी। मतलब एक लाइन को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी लाइन कितनी घुमाकर खींची गई है, और जो घुमाव है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। या फिर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, दो लाइनें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में कितना स्पेस है, ये ठीक रहेगा। इनके बीच में कितना स्पेस है, यदि ये स्पेस कम है तो छोटा कोण, यदि ये स्पेस ज़्यादा है तो बड़ा कोण, ठीक है ना। ये स्पेस यदि बढ़ता जाएगा तो जो कोण का मान है वो बढ़ता जाएगा। और कोण को मापने की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मापा जाता है, जिसमें एक है डिग्री, एक है ग्रेड और एक है रेडियन। हम जो खासकर जिक्र करेंगे अपने टॉपिक में, जो इंडिया के एग्ज़ाम में या इंडिया की बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में या एंगल को मापने का तरीका, वो हमारा डिग्री में ज़्यादातर चलता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम रेडियन का भी यूज़ करेंगे। और जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको अच्छे से खोल के बताऊँगा इस चीज़ को आपको, राइट है ना। अभी हम फिलहाल अपना क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कोण का मतलब आप सीधा समझिएगा, यदि हम देखें तो अपने कमरे में, जैसे कि कोणा नहीं बोलते भाई, इस कमरे का ये कोणा है। कोणा मतलब कि क्या है, जहाँ पर दो दीवारें एक दूसरे से मिली हुई हैं, और हम एक बोलते हैं छोटा कोणा, एक बोलते हैं बड़ा कोणा। मतलब छोटा कोणा क्या, जब दीवारें बिल्कुल मिलकर हों तो कहेंगे छोटा कोणा, दूर दूर हों तो बड़ा कोणा। वो कोणा और कोण एक ही बात है, राइट है ना। जहाँ पर भी दो भुजाएं आपस में मिली हुई हैं, उनके बीच में कितना स्पेस है, उस स्पेस को कोण बोलते हैं। और जर्नली इसको डिनोट किया जाता है किससे, थीटा से, ठीक है ना। या फिर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक दो तीन कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन बुक्स में क्या लिखा होता है, थीटा लिखा होता है, ठीक है ना भाई। ये ग्रीक लेटर है एक थीटा,
थीटा से इसको डिनोट किया जाता है, और इसके पैमाने जैसे ही मैंने आपको बताए, डिग्री, ग्रेड और रेडियन की हम बात करेंगे। ओके, तो साथियों फिलहाल इतना ही कि कोण क्या होता है, जहाँ पर दो भुजाएं जुड़ी हों और उनके बीच का जो स्पेस है, उनके बीच का जो गैप है, जो ये स्थान है, इस स्थान को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। राइट है, आगे बढ़ते हैं। कोण मतलब आप जर्नली समझ सकते हो, कोण मतलब कोणा। ओके, जैसे कि अपने घर में जब दीवारें मिली होती हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई इस कोने में वो वस्तु रखी है, जहाँ दो दीवारें मिली हैं उसको क्या बोलते हैं, कोणा। त्रिकोण मिति, मिति मतलब आकृति, मिति मतलब क्या, आकृति, आकृति यानी कि फिगर, यानी कि एक फिगर, जैसे कि आपके सामने अलग अलग फिगर होती हैं, जैसे कि भाई फिगर की मैं बात करूँ, ये कौन सी फिगर है, ये चतुर्भुजाकार फिगर है, ये कौन सी फिगर है, ये त्रिभुजाकार है, ये कौन सी फिगर है, ये वृत्ताकार है, कमरा एक घनाकार फिगर है, ठीक है ना, अपने सामने गिलास होता है, बेलनाकार फिगर है, सिलेंड्रिकल, ठीक है भाई, अपने पास जो जोकर की टोपी है, शंकुआकार फिगर है, 3D और 2D फिगर होते हैं, जो हमें मेंसुरेशन में भी जिनका जिक्र किया था, तो फिगर ही बहुत सारी फिगर हैं, ये फिगर कौन सी है, षटकोण है, राइट है ना, षटकोण की फिगर है, बहुत सारी फिगर है, हम भी एक हमारी भी एक क्या होती है, फिगर होती है, राइट है ना, आयत एक फिगर है, वर्ग एक फिगर है, त्रिभुज एक फिगर है, तो ये उसी फिगर की बात कर रहा है, उसी आकृति की बात कर रहा है। और पूरी सेंस देखिए, त्रिकोण मिति, तीन कोणों वाली मिति, एक ऐसी मिति, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर जिसके अंदर कितने कोण हैं, तीन कोण हैं। तो साथियों यहाँ तीन कोण किस में दिखाई दे रहे हैं, सर कह दोगे ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीन कोणों वाली आकृति को त्रिकोण मिति बोलते हैं, और वो कौन है, त्रिभुज है, यानी कि कहने की बात ये है, त्रिकोण मिति और कुछ नहीं, त्रिभुज का ही दूसरा नाम है, राइट है ना, त्रिभुज का ही सिनोनिम्स है, जैसे कि व्यक्ति दो नाम नहीं निकाल देते, किसी का नाम है मान लिया ओरिजिनल नाम है भाई सुरेंद्र, उसको काड़ा बोल दिया, ऐसे ही ये दूसरा नाम है बस त्रिभुज का और कुछ नहीं है, त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति एक ऐसी मिति, एक ऐसी आकृति जिसके अंदर कितने कोण हैं, तीन कोण हैं, वो किस में होते हैं भाई, त्रिभुज में होते हैं। सर इंग्लिश वर्ड से देखो, ट्री मैंने तीन, गोनो मतलब होती हैं भुजाएं, मेंट्री मतलब वही बात हो गई, आकृति यानी कि फिगर, एक ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन भुजाएं हैं, तो वही साथियों तीन भुजाएं किसके अंदर हैं, त्रिभुज के अंदर है, राइट है ना, यानी कि ट्रिग्नोमेंट्री को हमें स्टडी करना है, इसका मतलब हमें किसको स्टडी करना है, त्रिभुज को स्टडी करना है, त्रिभुज ही ट्रिग्नोमेंट्री है, त्रिकोणमिति है, राइट है ना, तो कौन सी फिगर के बात, कौन सी आकृति के बारे में बात करनी है, जिसके अंदर कितने कोण हैं, तीन कोण हैं, जिसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, और वो कौन सी होती है, त्रिभुज, तो हमें त्रिभुज के ऊपर बात करनी है, पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर जाएगा, त्रिभुज के ऊपर जाएगा, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो भाई हम फाइनली एक बात पे पहुंचे कि हमें किसको डिस्कशन करना है, हमें त्रिभुज को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल को हमें डिस्कशन करना है, जिसको शॉर्टली इस सिंबल से दर्शा दिया जाता है। कहोगे सर त्रिभुज भी कोई एक ही प्रकार की नहीं होती, त्रिभुज अलग अलग प्रकार की होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं तो समान हो, तीसरी असमान हो, उसको क्या बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी भाई तीनों ही भुजाएं समान होती हैं, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और साथियों एक खास प्रकार की त्रिभुज और होती है, कौन सी, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हमें बाकी सारे त्रिभुजों से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर त्रिभुज पढ़नी है, और त्रिभुज भी कौन सी पढ़नी है, समकोण, बाकी नहीं पढ़नी, बाकी को हम मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में पढ़ेंगे।
तो त्रिकोणमिति का नाम था क्या? त्रिभुज। और त्रिभुज भी सारी नहीं पढ़नी, सिर्फ एक ही त्रिभुज पढ़नी है इस चैप्टर में, कौन सी? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो फाइनली बात अपनी कहाँ पहुंच गई है? समकोण त्रिभुज पे पहुंच गई है। बिल्कुल, बच्चों सारे त्रिभुजें नहीं पढ़नी, हमें कौन सी त्रिभुज पढ़नी है? समकोण त्रिभुज पढ़नी है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सी? जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। क्यों होता है ये हम ज्योमेट्री में जानेंगे, फिलहाल हमें इसको लेकर चलना है, ठीक है ना। और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितने डिग्री का हो? कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, तो यहाँ एक बात आती है, इसका एक लंब होता है, इसका एक आधार होता है, इसका एक कर्ण होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं बात करूं ए बी सी, ठीक है ना, इसको डिस्कशन करना ही ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी। देखो सर, ट्रिग्नोमेट्री में तो हम कहते हैं साइन कोस थीटा होते हैं, आपने तो राइट एंगल स्टार्ट कर ली भाई, वो साइन कोस टैन कोट इसी से बनेंगे, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो बस। और साइन कोस टैन कोट तभी बातें समझ में आएगी जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यही राइट एंगल ट्रायंगल ही साइन कोस टैन कोट बनने वाली है, क्योंकि हमें तो तब फीलिंग आती है ना ट्रिग्नोमेट्री की, जब बात करें साइन की कोस की टैन की, मैं उसकी जड़ों पे जा रहा हूँ, क्यों पैदा, कहाँ से हुए, किसको साइन बोलते हैं, किसको टैन बोलते हैं, किसको सिकेंट या कोसिकेंट बोलते हैं, राइट है ना। बस 2 मिनट वेट कीजिएगा, और जो मैं समझा रहा हूँ एक खास बात समझा रहा हूँ जो अपने पूरे चैप्टर में काम आएगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी, यदि मैं आपसे पूछूं बताइए भाई यहाँ लंब कौन है, आधार कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल में बातें सुनते हैं ना, एक तो क्या होता है लंब, जिसको क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर, मैं पीछे डिनोट कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले साथ के साथ थोड़ा समझते जाएंगे। एक क्या होता है साथियों? आधार। आधार यानी कि बेस, बेस डिनोट कर देंगे। एक क्या होती है इसके अंदर? कर्ण। कर्ण जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो अब मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए यहाँ कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, तो आपका माइंड में सीधी सीधी एक बात गई होगी, जो ज्यादातर बच्चे मुझे ऑफलाइन में रिप्लाई करते हैं, मैं उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि आप कहोगे सर जो ए बी है ना, ए बी लंब है, ठीक है, और जो बी सी है आधार है, इसमें तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं, और जो ये है ना ए सी, ये अपना कर्ण है, ये अपना हाइपोटेनियस है, ये अपना परपेंडिकुलर है, और ये अपना बेस है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसके सामने थे ऐसे, मैं आपके पीछे आगे आ गया हूँ, बिल्कुल भाई, इसको आपने बोला क्या लंब, इसको आधार, ये कर्ण। अब अज्यूम करो हम सारे इस साइड हों, यहाँ ऐसे हों, और यहाँ से इस त्रिभुज को देखें, सारे यहाँ से इस त्रिभुज को देखें, तो आप फिर लंब इसको नहीं बोल दोगे, और इसको क्या बोल दोगे? आधार, क्योंकि अब हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसे करके, इसको हम क्या बोलेंगे? लंब। इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। चलो कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण तो चेंज नहीं होगा, तो ये बात पक्की नहीं हुई कि कौन लंब है और कौन आधार है। हम सामने से हैं, हम इसको आधार बोल रहे हैं, इसको लंब बोल रहे हैं बच्चों, और यदि हम यहाँ आते हैं तो एकदम से हम लंब किसको बोल देंगे? बी सी को, और आधार किसको बोल देंगे? ए पी को। तो ये बात क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसका। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, कौन लंब होगा कौन आधार होगा वो इस एंगल से प्रूफ नहीं होता कि कौन लंब है कौन आधार है, ये तो दोनों, ये तो इस भुजा के लिए, इस भुजा के लिए, दोनों के लिए समान है, ये समान व्यवहार करता है, बस इसने तो ऐसे कर रखा दोनों को। कौन लंब है कौन आधार है इसका पता हमें लगता है बाकी के जो 2 एंगल नहीं बच गए, हम कौन से एंगल के थ्रू इस त्रिभुज को देख रहे हैं। एक एंगल हो गया ए, एक एंगल हो गया सी, यदि हम एंगल सी के द्वारा इस त्रिभुज को देख रहे हैं, तो यह एंगल हो गया, जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो हमेशा क्या रहेगी? आधार रहेगी, बेस रहेगी, क्योंकि कोण किस पे बना होता है? हमेशा आधार पर ही बना होता है, और इस कोण के सामने वाली भुजा किसका काम करेगी? लंब का, यानी कि परपेंडिकुलर का। अब ये कोण हमें फाइनल कर दिया,
कि इस त्रिभुज को हम इस कोण के द्वारा देखने वाले हैं। तो जिस पर कोण बना है वो आधार है और कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। अब चाहे हम सामने से देखें आधार यही रहेगा, चाहे हम यहां से देखें फिर भी आधार क्या रहेगा, बीसी रहेगा, क्योंकि कोण किसके ऊपर बना हुआ है, बीसी के ऊपर बना हुआ है। जिस भुजा के ऊपर कोण बना होगा वो हमेशा किसका काम करेगी, आधार का, और कोण के सामने वाली भुजा किसका काम करेगी, लंब का। और यदि हम कोण ए के द्वारा इस त्रिभुज को देखते हैं, कोण ए के द्वारा, तो फिर कोण ए के द्वारा देखोगे तो ए बी आपका आधार बनेगी, बेस बनेगी, और बी सी आपका लंब बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी और जिस पर कोण बना हुआ है वो किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और हम इस कोण के द्वारा इस त्रिभुज को देख रहे हैं जिसको हम थीटा बोल देंगे, आगे आएगा ना साइन थीटा कोस थीटा, वो यही एंगल होता है, यही है, इसी एंगल का मान होता है वो थीटा, राइट है ना। ये मानोगे तो इसका होता है, ये मानोगे तो इसका होता है, ये थीटा ले लिया तो इसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, लंब रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और जिस पर कोण बना होता है वो हमेशा क्या रहेगा, आधार रहेगा, बेस रहेगा। और यदि मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी और कोण हमने ये डिफाइन किया, भाई हम तो इसके द्वारा देखेंगे क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम काम करता है, तो सीधी सी बात है ये आपका आधार रहेगा, ये आपका लंब रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये आपकी ए बी जो भुजा है वो आधार रहेगी, बेस रहेगी। जिस भुजा पर कोण बना होगा वो हमेशा आधार होगी, सामने वाला लंब होगा। जिस भुजा पर कोण बना होगा वो आधार रहेगी, सामने वाला लंब रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं लंब और आधार पर क्यों इतना जोर लगा रहा हूँ, इसलिए जोर लगा रहा हूँ क्योंकि साइन कोस टैन कोस सेकेंट कोसेकेंट कुछ नहीं होते, ये लंब और आधार के द्वारा बनाई हुई ही आइडेंटिटियाँ होती हैं, लंब और आधार की ही रेशो होती है। क्या होती हैं, अब देखो क्यों हम लंब आधार पर इतने बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं साथियों। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड में खींच के रख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा ही मामला किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। इस बात को आप समझ गए तो आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, और इसको बड़े प्यार से बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बड़े आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को मैं बड़े आराम से आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं, एक घंटे की वीडियो ज़्यादा बनेगी तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों ध्यान दो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच के रख लेते हैं अपना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई ए बी सी, ठीक है, या इस कोण को मैं पक्का कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ, ये कोण डिफाइन कर लिया तो सीधी सी बात है ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, ठीक है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी कि आधार, लिख भी देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो जाए, आधार है और ये लंब है और ये साथियों क्या है अपना कर्ण है, ओके है, क्लियर भाई। तो अच्छा आप एक बात और जानते होगे, राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम काम करती है, कौन सी, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरियन थ्योरम बोलती है कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है, राइट है ना भाई। तो उसी के अनुसार यदि मैं एक सेकेंड के लिए ए बी को ले लूँ चार यूनिट, ए बी है चार, लंब ले लिया चार, बी सी को ले लूँ तीन, बी सी तीन, भाई जो हाइपो आधार है बेस है वो तीन है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये चार का स्क्वायर तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर सोलह, तीन का स्क्वायर नौ, सोलह और नौ पच्चीस, पच्चीस का रूट करेंगे तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण पाँच आ गया, जनरल ही बात है, राइट है ना। ए बी बी सी
एसी, एसी अपना कर्ण, ए बी यदि चार है, बी सी तीन है, तो एसी कितना होगा? पांच होगा, बिल्कुल होगा। चाहे आप यहाँ से पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हो, चार का स्क्वेयर प्लस में तीन का स्क्वेयर, हमें क्या निकालना था? हाइपोटेनियस का स्क्वेयर, ये 16 और 9 कितना हो गया? 25, 25 बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट बोथ साइड करेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। ओके है, राइट है भाई? तो ये थी अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हमें पढ़ना जरूरी था। अब बात करते हैं जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो, कि सार साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट की बात कीजिए, अभी बात करते हैं, ठीक है? और ये अपना क्या है? थीटा है, ठीक है ना? जो थीटा थीटा सुनोगे यही कोण होता है। ए को मानोगे तो ए थीटा होगा, सी को मानोगे तो सी थीटा होगा, ए को मानोगे तो लब आधार बदल जाएंगे, ओके ना? इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये मेन मुद्दा है ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, हम बात करते हैं अब क्या, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेकेंड थीटा, ठीक है ना? ओ सॉरी, इससे पहले कोट आएगा, टेन थीटा कोट थीटा सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा, राइट है ना? साइन कोस टेन कोट सेकेंट कोसेकेंट, ठीक है बच्चों? अब देखो ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है? ये सारे हैं क्या? साइन कोस टेन कोट सेकेंट कोसेकेंट हैं क्या? ज्योग्राफिकली तो मैं इसको आने वाली टाइप में प्रूव करूंगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ये सारे हैं क्या। ये सारे के सारे अनुपात होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? ये अनुपात, अनुपात यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं, राइट है ना? जैसे कि एक्स अनुपात में वाई, एक्स अनुपात में वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स बटे में वाई, ठीक है? तीन अनुपात में चार, तीन अनुपात चार का मतलब है 3/4। ये जो साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट होते हैं ना, ये सारे के सारे अनुपात होते हैं, लेकिन बात उठती है ये अनुपात किसके होते हैं? ये अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के। जैसे कि मैं बात करूं, साइन थीटा जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कि परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनियस होता है, या फिर मैं इसको लंब अनुपात में कर्ण बोल दूं, ठीक है? परपेंडिकुलर, हिंदी इंग्लिश दोनों को थोड़ा मिक्सअप रखता रहूंगा। लंब अनुपात में कर्ण, लंब अनुपात में कर्ण का मतलब क्या है? लंब बटे में कर्ण, ठीक है? अब इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो लंब कितना है? चार, कर्ण कितना है? पांच। साइन थीटा, बात खत्म। साइन थीटा सिर्फ लंब बटे में कर्ण होता है, और लंब और कर्ण किस में होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं, इसलिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल पे अब तक काम कर रहा था, क्योंकि सारी ही बातें राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आएंगी। राइट एंगल ट्रायंगल ही ट्रिग्नोमेट्री है, ओके? और ये किसका अनुपात है? देखो, समकोण त्रिभुज में तीन ही चीजें हैं, एक तो लंब है, एक आधार है, और एक कर्ण। ये सारे किसी न किसी का अनुपात होते हैं, बस समझ पा रहे बच्चों? ये सारे किसी न किसी का अनुपात होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जो कोस थीटा है यह अनुपात है समकोण त्रिभुज के आधार, आधार और कर्ण का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से समझते जाओगे, क्योंकि आप लंब, परपेंडिकुलर, बेस, आधार, हाइपोटेनियस, कर्ण, ये आप रिलेट कर दोगे। यानी कि आधार अनुपात में कर्ण होता है, आधार अनुपात में कर्ण मतलब आधार बटे कर्ण। इस ट्रायंगल में बात करूं, आधार कितना है? तीन है, कर्ण कितना है? पांच है, तो कितना हुआ बच्चों? 3/5। यदि मैं इस ट्रायंगल को देखते हुए कहूँ कोस थीटा निकालो, तो आप 3/5 कर दो, आप एक्यूरेट हो, आप सही हो, आपने कुछ नहीं करना, यही था कोस थीटा। कोस थीटा अनुपात है किसका? आधार का और कर्ण का, और कुछ भी नहीं है। आगे बात करूं मैं, टेन थीटा, सर ये किसकी रेशो है? टेन थीटा रेशो है समकोण त्रिभुज के लंब की और आधार की, यानी कि लंब अनुपात में आधार, मतलब कि लंब बटे आधार। लंब कितना बच्चों? चार, आधार कितना है? तीन। कोट थीटा, सर कोट थीटा अनुपात है समकोण त्रिभुज के आधार और लंब का, आधार अनुपात में लंब, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना? तीन है, लंब कितना? चार है, बात खत्म। इसके अलावा ये कुछ नहीं होते,
इनका जितना ज़्यादा वहम करते हैं उतना ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट रूप अपना रखना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ से बिल्कुल जीरो से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ दूंगा। और रही बात आपकी सीईटी की, तो पहले तीन चार टाइप से क्वेश्चन आना है तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके दे दूंगा आपको, राइट है ना। तो ध्यान से जुड़े रहना चीज़ के साथ, यहाँ से ये घबराने की जरूरत नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया तो देखी जाएगी, होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं सी, नहीं पक्का सी, ये एक नंबर ही है। हमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री से, एक ऊंचाई और दूरी से, दोनों चैप्टर करवाने हैं मैंने। ऊंचाई और दूरी कौन से है, वो मीनार वाले क्वेश्चन होते हैं, एक मीनार इतनी दूर है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ध्यान रखना बस, ये थोड़े टाइम में आपका एक नंबर पक्का करके दे दूंगा, बिल्कुल श्योर। और यहाँ से क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको पेपर में, सेकेंड थीटा, सॉरी, तो सेकेंड थीटा होता है बच्चों किसका, समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार का अनुपात होता है। ये सर ये ध्यान कैसे रहेंगे, कौन किसका अनुपात होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, इसको ध्यान करने का तरीका बताऊंगा, कर्ण और आधार का, यानी कि कर्ण अनुपात में आधार, इसका मतलब हुआ कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना बच्चों, 5, आधार कितना है 3, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन आ गया, ये बना रहना जरूरी है भाई, कोशिकेंट। कोशिकेंट क्या होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसका लंब का अनुपात होता है, यानी कि कर्ण अनुपात में लंब, यानी कि कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना 5, लंब कितना 4, ठीक है बच्चों, क्या कोशिकेंट थीटा। यानी कि आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे किसी न किसी का अनुपात है, सारे के सारे क्या है, किसी न किसी का अनुपात है, किसका अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिभुज, त्रिभुज भी कौन सी, एकाकी त्रिभुज कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। और साइन कोस टाइन कोसेकेंट कोसेकेंट ये सारे क्या है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात है, कोई किसी का अनुपात है, कोई किसी का अनुपात है। सर ये ध्यान कैसे रहेगा, हमें याद कैसे होगी ये चीज़, इसके लिए मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा, वही चीज़ बताऊंगा जो आपने स्कूल में पढ़ी थी। हिंदी मीडियम वालों के सामने ज़्यादातर रहता बच्चों, ये मैं पाइथागोरस वाला हटा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है ही, ठीक है, मेन मुद्दा ये अपना है ही। अच्छा, कौन सा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बहुत सुनने को मिलता है यदि आपने हिंदी मीडियम से 10वीं क्लास की है तो, लाल बटे कक्का जब ट्रिग्नोमेट्री की आई थी। और इंग्लिश मीडियम में यदि हम होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, या फिर कई टीचर्स बना देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से करके। ये कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई मैथ में कुछ इसका वजूद नहीं होता, ये क्या होता है, ये साथियों ट्रिक होती है इनको याद करने की, कि भाई कौन किसका अनुपात है, ठीक है ना। कैसी ट्रिक, अभी नहीं मैं बात करूँ, पहले केस पे आऊँ, एल बटे के है, एल बटे के, एल मतलब लंब, लंब और के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कौन होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आगे में दी मैं चलूं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कौन होता है, कोस थीटा। ये याद करने का तरीका और कुछ नहीं है। नेक्स्ट यदि मैं चलूं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कौन है बच्चों, टेन थीटा। हो गए तीन का, और छह ही चीजें हैं, छह चीजें हैं, साइन कोस टेन कोट सेकेंड कोसेकेंड, ठीक है ना। और ये छह चीजें आराम से आपका एक नंबर बना देंगी, घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्लियर है। तीन तो हो गई, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन, ओके है। अब इसका वापिस आते हैं, अब यहां से यहां तक गए थे तो समाप्त हो गया था, यहां से यहां तक गए थे ना भाई, खत्म हो गए। अब सर आगे की तीन भी तो पढ़ने हैं, अब हम क्या होंगे, रिवर्स आएंगे, ऐसे गए थे, अब क्या आना, हमें उल्टा आना है, रिवर्स आना है। रिवर्स आना है तो देखो आपने करना क्या है, पहले क्या था, ऊपर वाला ऊपर था, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला, अब उल्टा काम करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इनको पलट देना है, के बटे ए, के बटे एल, ठीक है ना। इधर गए थे ऊपर वाला ऊपर था, नीचे वाला नीचे, इधर उल्टा आएंगे ना
तो बात भी रिवर्स हो जाएगी, इधर डायरेक्शन ये थी अब डायरेक्शन ये है, तो अब नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो देखो बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कौन, कोट थीटा। कर्ण बटे आधार कौन, सिकेंट थीटा। कर्ण बटे लंब कौन, कोसेकेंट थीटा। ओके, अब एक एक ट्रायल और करते हैं। लाल बटे कक्का, ये देखिए ये चीज आपके किस तरह से आपको ध्यान करवा देगी सारी चीजें। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन, तीन कवर। अब उल्टा लिखने हैं ये, ठीक है। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार सेकेंट, कर्ण बटे लंब कोशिकेंट। तीन इधर से कवर, तीन इधर से कवर, डायरेक्शन चेंज तो ऊपर नीचे भी चेंज। ओके भाई, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, पहले तीन के लिए तो लिख सकते हो लाल बटे कक्का, और अगले तीन के लिए इसको उल्टा कर दो, कक्का बटे लाल, बस ठीक है ना। कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का साइन बटे कर्ण, ओ लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन, आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार सिकेंट और कर्ण बटे लंब कोसिकेंट। क्लियर है ना, ये आप इस चीज से आप ध्यान कर सकते हो। क्लियर भाई। और इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस साइन, बेस अपोन में हाइपोटेनियस कोस, परपेंडिकुलर अपोन में बेस टेन, बेस अपोन में परपेंडिकुलर कोट, हाइपोटेनियस अपोन में बेस सेकेंट, हाइपोटेनियस अपोन में परपेंडिकुलर कोसेकेंट। क्लियर है भाई, ये अनुपात होते हैं सारे के सारे। ओके, किसके अनुपात होते हैं, किसके रेशो होते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की रेशो होती है। तो बच्चों, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, लाल आप लिख सकते हो, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई और मेथड इसका आप अपनी मर्जी से लगाना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी रहेगी, ये सही है तरीका, इसलिए मैंने आपको साथ में ही बता दिया। इसको थोड़ा ऊपर कर लें अपन, ठीक है, क्योंकि यही मेन मुद्दा है अपना, राइट है भाई। अब कुछ चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे डायरेक्ट काम आएंगी, या यदि मैं इस डी ग्रुप वाले पेपर की बात करूँ तो 10वीं लेवल के पेपर की बात करूँ तो जो मैं बात बताने वाला हूँ उन्हीं से एक नंबर पक्का हो जाएगा। वो कौन सी है सर, पहली बात, और ये 10वीं क्लास में जाने अनजाने आपको पढ़ी है ही, ठीक है ना। यदि ट्रिग्नोमेंट्री आपने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ना चाहा तो फिर भी टीचर ने आपके साथ धक्का जरूर किया होगा कि ये तो याद करके आने हैं तुम्हें। क्या पहले पॉइंट, एक बटे साइन थीटा, मैं पहला पॉइंट लिख दूं बच्चों, एक बटे साइन थीटा। एक बटे साइन थीटा मतलब, एक बटे साइन थीटा क्या है भाई सर, लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा, कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे रह जाएगा, क्या हो गया कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब कौन है कोसेकेंट थीटा। कर्ण बटे लंब कौन है भाई, आपने यदि कॉपी पे लिख लिया हो लिख लो, बल्कि रिवर्स करके ये लिख लेना पूरा, ताकि आप मेरे साथ वीडियो में रिलेट कर सको, ठीक है ना। एक बटे साइन थीटा, एक बटे लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो लंब कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब कौन है बच्चों कोसिकेंट है, यानी कि एक बटे साइन हमारा प्रूफ हो गया कि इसके बराबर कोसिकेंट थीटा के बराबर। तो हम बिल्कुल दिल खोल के लिख सकते हैं कि एक बटे साइन थीटा बराबर होता है क्या कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट को इधर ले आए, कोसिकेंट को इधर ले आएंगे, तो एक बटे कोसिकेंट थीटा बराबर है क्या साइन थीटा, क्योंकि जो गुणा में था भाग में आ गया, जो भाग में था उसमें चला गया, गुणा में चला गया। ये बात अपनी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक बटे साइन, साइन क्या लंब बटे कर्ण, कर्ण ऊपर गया, कर्ण बटे लंब कौन है भाई कोसेकेंट है। ओके, ये था पहला पॉइंट, आप नोट करोगे इसको। अब मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि ये साइड में बना के रखना जरूरी है।
दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे बच्चों मैं लिख दूं एक बटे कोस थीटा, एक बटे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बच्चों? आधार बटे करण, एक बटे आधार बटे करण। करण कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? करण बटे आधार। और करण बटे आधार कौन है? देखो यहाँ पर करण बटे आधार कौन है? सिकेंट है। यानी कि हमारा एक बटे कोस थीटा बराबर किसके आया? सिकेंट थीटा के आया। तो हम बेहिजक लिख सकते हैं कि एक बटे कोस थीटा बराबर है सिकेंट थीटा, राइट है ना? आराम से। कोस का उल्टा क्या होता है? सिकेंट। यदि मैं सिकेंट इधर ले आऊं, कोस उधर ले जाऊं, तो एक बटे सेकेंड थीटा बराबर क्या बच्चों? कोस थीटा। ये अपने काम की बात रहेगी। एक बटे कोस की जगह हम सेकेंड लिख सकते हैं, सेकेंड की जगह हम एक बटे कोस लिख सकते हैं। समझे बात को? क्लियर भाई? ये भी अपना मेन पॉइंट रहेगा, नोट करोगे इसको। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों अपना? थर्ड पॉइंट है एक बटे टेन थीटा। एक बटे टेन थीटा, अब टेन थीटा क्या है भाई अपना? टेन थीटा है लंब बटे आधार। ये रहा टेन थीटा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लंब बटे आधार। आधार कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा। तो आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब कौन है? आधार बटे लंब कौन है? कोट। तो आधार बटे लंब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट थीटा। यानी कि एक बटे टेन थीटा बराबर है कोट थीटा। ये अपनी बात प्रूफ हो गई। अच्छा, कोट को मैं इधर ले आऊँ, टेन को उधर ले जाऊँ, तो एक बटे कोट थीटा बराबर है टेन थीटा। यानी कि कोट टेन का उल्टा और टेन कोट का उल्टा है। और ये बात हम अपनी इसी टेबल से प्रूफ करते हुए चल रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री नाम से पैदा हुई है। ओके, चलो ये नोट करोगे, आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर चार पॉइंट, नंबर चार पॉइंट बच्चों में लिख दूं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कौन है? साइन थीटा है भाई लंब बटे करण। फिर देखो कोस थीटा कौन है? कोस थीटा है आधार बटे करण। साइन थीटा बटे में कोस थीटा कर दिया, पलट गए, पलटे तो क्या बनाइए? लंब बटे करण गुणा में करण बटे आधार, ठीक है ना? करण से करण कैंसल, तो फाइनली क्या बना? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार कौन होता है? लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कौन होता है? टेन थीटा। तो यहाँ से बात अपनी प्रूफ हुई क्या? कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर किसके? टेन थीटा के होता है। ओके, एक पॉइंट ये है, नोट करोगे इसको। साइन थीटा बटे में कोस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट लेता हूँ पॉइंट। अब मैं लिख दूँ कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब कोस थीटा देखो कौन है? कोस थीटा कौन है भाई? आधार बटे करण है। साइन थीटा, साइन थीटा जी लंब बटे करण है। पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। आधार बटे करण गुणा में करण बटे लंब, कैंसल आउट। कितना बना? आधार बटे लंब बना। और आधार बटे लंब कौन है भाई? आधार बटे लंब कोट थीटा है। तो ये किसके बराबर आया? ये कोट थीटा के बराबर आया। यानी कि हम बिल्कुल 100% होके बोल सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। कह सकते हो? नहीं कह सकते? बिल्कुल 100% कह सकते हो। ओके, चलिए आगे। चलो एक पॉइंट और करते हैं, फिर उसके बाद अपनी टाइप नंबर एक की थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है ही हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट छः मैं लिख दूँ साइन स्केयर थीटा, जो आप खूब आपको ध्यान होगा कॉस स्केयर थीटा किसके बराबर है? आप कहोगे सर एक के बराबर है, फिलहाल प्रूफ करना बाकी है, प्रूफ हो जाने तो फिर लिखेंगे, ठीक है ना? इसको प्रूफ करते हैं पहले। साइन स्क्वेयर थीटा, साइन क्या होता है भाई? साइन होता है लंब बटे करण, उसका क्या है? स्क्वेयर। प्लस कोस क्या है? कोस जी आधार बटे करण, उसका क्या करना है? स्क्वेयर, ठीक है।
तो ये हो गया लम का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, और ये हो गया आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। तो के स्क्वायर ऊपर क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर या लम का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना। तो ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगी, ऊपर भी क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर, नीचे भी क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर, कैंसल आउट कितना आया एक। तो अब अपना प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, एक के होता है। तो ये थी बच्चों आपकी मेन आइडेंटिटी जिसके बेस पे अपना ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। ओके है, क्लियर है, चलो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या था साथियों, ये थी अपनी जो शुरुआत है टाइप नंबर वन है उसकी थ्योरी जिसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और यदि मैं पिछले ग्रुप डी की बात करूं तो पहले ही टाइप से दो दो क्वेश्चन आए थे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। तो ये टाइप बड़े ध्यान से आप सीखिएगा और बड़े अच्छे अच्छे तरीके से बड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। अब जैसे कि साथियों हमसे एक क्वेश्चन कर दें कि बताओ भाई यदि टेन थीटा बराबर है 3/4, टेन थीटा इजकल टू 3/4, तो ज्ञात कीजिए फाइंड द वैल्यू साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और अपॉन में कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, हमें ये दे दिया गया, ये हमसे पूछ लिया गया कि बताओ भाई किसके बराबर है। तो साथियों एक तो मैं यहाँ सोलटेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ। सोलटेंट कौन सा, क्योंकि देखो मैंने एक बात आपको बताई थी, क्या बताई थी कि भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, तो 3/4 क्या साइन थीटा बटे में कोस थीटा, इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी 3, कोस की वैल्यू कितनी 4। तो उठा के यहाँ रख दें, साइन कितना भाई 3, कोस 4, कोस 4 साइन 3, 3 और 4 7, और 4 में से 3 गया 1, तो 7/1 अपना उत्तर कितना हो गया 7 हो गया। तब भी साथियों आपको टेन की वोट की वैल्यू दे के ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा हो जिसमें हर जगह पे साइन कोस दिख रहे हों, तो ऐसे आप लिख के डायरेक्ट साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन मैं एक तरीका ऐसा बताता हूँ जो यूनिवर्सल है, जहाँ पर टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट साइन कोस किसी की भी वैल्यू दे रखी हो जो हर जगह पर लागू होगी। ये क्वेश्चन हमें सोल्व कैसे करना है, देखो टेन थीटा हमें दे दिया कितना 3/4, और हमसे बोला क्या भाई कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और कोस थीटा माइनस में साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो बच्चे देखो टेन थीटा बराबर 3/4, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लम्ब बटे आधार। जैसे कि हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है भाई, लम्ब बटे आधार होता है। यानी कि एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये हमने थीटा ले लिया, उसका उसका लम्ब कितना है 3, उसका आधार कितना है 4। लम्ब है 3, आधार है 4, तो सीधी सी बात है पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं इसको, जो कर्ण होगा वो कितना होगा 5 होगा। यानी कि ये इस ट्राइंगल की बात होगी इस क्वेश्चन के अंदर, राइट है ना। टेन थीटा यदि 3/4 है तो लम्ब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना हुआ 5। पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही चलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही ट्रिग्नोमेट्री है। ओके तो सबसे पहले क्या आया बच्चों अपने सामने, सबसे पहले आया साइन थीटा। अब हमें पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब बटे कर्ण, लम्ब कितना 3, कर्ण कितना 5, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे क्या था प्लस प्लस कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, बटे कोस थीटा वही 4/5, साइन थीटा वही 3/5, तो हमें ये सोल्व करना था। तो यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ से एलसीएम ले 5, तो कितना 3 और 4 7, नीचे से भी एलसीएम ले 5, 4 में से 3 गया 1, संख्या पलटी 7/5 गुणा में 5/1, कैंसल आउट कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। कोई भी वैल्यू आपको दे रखी हो, राइट है ना, ट्रायंगल पे जाके आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो।
ठीक है, हो जा भाई छोटा, हो जा थोड़ा, हो गया, ठीक है, राइट है भाई, क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी दे रखी हो, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दे रखी हो, जैसे कि टेन थीटा दे रखा था, तो टेन थीटा बराबर है 3/4, टेन होता है लम बटे आधार, तो हमें लम का आधार का पता चल गया, लम और आधार पता चलते ही हमें किसका पता चल गया, कर्ण का पता चल गया। अब तीनों भुजाएं आ गई, अब अपने से छुपा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं पता लग जाएगी, आपका रास्ता साफ हो गया है। अब छह ही वैल्यू हैं, साइन कोस टेन कोस सिकेंट कोस सिकेंट, जो भी कहे उनको रखते जाओ। अब जैसे साइन था, साइन लम बटे कर्ण, तो हमने क्या कर दिया, लम बटे कर्ण, कोस था आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, बस। प्लस है तो प्लस डाल दो, माइनस है तो माइनस डाल दो, बटे है तो बटा कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो, भाग है तो भाग कर दो, इतना सा होता है बस ये। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं होता, बड़ा सिंपल हा टॉपिक होता है, राइट है ना। और क्वेश्चन करते हैं। अब सर टेन की जगह कुछ और दे दे, टेन की जगह दे दे अब जो आपको, भाई साइन थीटा बराबर है 4/5, साइन थीटा बराबर है 4/5, आप ज्ञात करके बताओ टेन थीटा प्लस में सेकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस में सेकेंड थीटा का मान बताइए। बिल्कुल, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है लम बटे करण। लम बटे करण मतलब एक ऐसी ट्रायंगल की बात हो रही है, ये हमारा थीटा फाइनल कर दिया हमने, लम लम कितना जिसका 4 और कर्ण किसका 5, कर्ण 5 है पाइथागोरस प्रमेय से, 25 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना 9, 9 यानी कि आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आप आराम से लगा दोगे यहाँ पर, राइट है ना। तो कर्ण 5 लम 4, तो आधार कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर भाई। कैसे सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमें बेस चाहिए था तो बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस हमें दे रखा 5, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर दे रखा 4, 4 का स्क्वायर ये कितना 25 माइनस के 16 कितना बचा 9 बेस का स्क्वायर, तो बी कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, आ गया। अब हमसे देख लो बस क्या पूछ रखे, टेन टेन होता है भाई लम बटे आधार, ठीक है ना, लम बटे आधार, तो लम कितना 4, आधार कितना 3, पीछे में प्लस है तो प्लस डाल दो, सेकेंड सेकेंड होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 3 एलसीएम ऊपर 9/3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 3 आ गया। किसी की भी वैल्यू दे दे, आपको कह दे कि भाई कोसिकेंट थीटा बराबर है 13/12, फाइंड द वैल्यू साइन थीटा प्लस में टेन थीटा, ये बताओ, ठीक है। कोसिकेंट थीटा बराबर है 13/12, तो फाइंड साइन थीटा प्लस में टेन थीटा, तो सीधी सी बात है हम जानते हैं कि कोसिकेंट होता है कर्ण बटे में लम, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका ये तो हो गया थीटा, उसका कर्ण कितना है 13 और उसका लम कितना है बच्चों, उसका लम है 12, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर माइनस होगा 144, बच जाएगा 25, 25 का रूट करोगे तो जो आधार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, बोला साइन थीटा, साइन थीटा होता है भाई लम बटे कर्ण, लम कितना 12, कर्ण कितना 13 प्लस, और टेन थीटा, टेन थीटा होता है लम बटे आधार, लम कितना 12, आधार कितना 5, तो हमें ये सोल्व करना है, ये सोल्व करना है तो एलसीएम क्या ले लेंगे, इनकी गुणा 13 × 65, ये 13 पे 13 × 5 पे, ये 12 × 60, और ये 13 पे 13 × 26, 13 × 13 और 2 × 15, और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 216, 216/65 आपका आंसर। ओके, किसी की भी वैल्यू देके आपसे किसी की भी कोई भी वैल्यू पूछ लेगा, मान लीजिए अब आपको ये दे दिया, ये आपसे पूछ लिया, ये दे दिया, तो यहाँ से अंदाजा लगा लो कि कोशिकेंट है, कोशिकेंट क्या होता है कर्ण बटे में लम होता है। ओके है, क्लियर है भाई, नोट डाउन करो एक बार, चलो भाई साथियों आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि 2 sin θ - cos θ अपॉन cos θ + sin θ = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
कोट थीटा, ठीक है ना। तो कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको सोल्व कर लेना हमने, इसको उधर पहुंचा दे, गुणा में जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, टू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और ये उधर गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा, राइट है। कोस और साइन को एक तरफ कर लो, साइन थीटा को इधर ले आएं, कोस थीटा को उधर ले जाएं, साइन थीटा को इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, टू साइन थीटा में से घटेगा तो क्या बच जाएगा भाई, साइन थीटा, कोस थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, टू कोस थीटा, राइट है ना। और अब हम क्या करें, साइन थीटा को उधर ले जाएं और दो को इधर ले आएं, तो इधर क्या हो जाएगा, एक बटे दो, और उधर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। और साथियों आप जानते हो कोस थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है भाई, कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू कितनी कितनी आई इधर, एक बटा दो, तो कोट थीटा की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो कितना आ गया भाई साथियों, वन बाय टू, राइट है, समझे बात को, ओके। अच्छा यहाँ ही पर हमें कहा जाता भाई टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साथियों सीधी सीधी बात है, यदि कोट थीटा बराबर है एक बटा दो, टेन तो कोट का क्या होता है उल्टा, तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, दो बटे एक, या फिर आप क्या बोल सकते हो, दो। इसी केस में जैसे कि अपना आप निकल के आ गया कि भाई कोट थीटा बराबर है वन बाय टू, हमें कह देते भाई साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साथियों कोट थीटा यानी कि क्या होता है, आधार बटे लम होता है, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका आधार कितना है एक, और लम कितना है दो, आधार कितना भाई एक, लम कितना दो, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, रूट पाँच, क्योंकि दो का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक, चार और एक पाँच, और उसका रूट पाँच, तो नहीं निकल पाएगा। बोला साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा लम बटे कर्ण, तो लम कितना दो, कर्ण कितना अंड रूट पाँच, तो आपका आंसर हो जाता है। आपको कहता है भाई सेकेंड थीटा बताओ, सेकेंड थीटा बताओ, सेकेंड होता है कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण कितना अंडर रूट पाँच, आधार कितना एक, ये हो जाता है आपका आंसर, राइट है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप सोल्व कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन मुझे सोल्व करके आप बताओगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका कि भाई साइन थीटा बराबर है 12 बटे में 13, साइन थीटा बराबर है 12 बटे में 13, आप मुझे सोल्व करके बताओगे टेन थीटा प्लस में कोस थीटा, टेन थीटा प्लस में कोस थीटा किसके बराबर होगा, ये आराम से सोल्व करोगे, कमेंट करोगे या फिर मुझे व्हाट्सएप करोगे, जैसे हर वीडियो में आप करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो आप यहाँ मुझे इस पर भेजोगे व्हाट्सएप पे, ताकि हम कनेक्ट हो सकें, मैं आपका नंबर ऐड करके ग्रुप में भी डालूंगा और हम स्टेटस से भी जुड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। 9581 37 0 68, तो इस पर भी आप भेजोगे, जिस तरह से हर वीडियो में जो क्वेश्चन मैं देता हूँ उस पर भेजता हूँ, कमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ये आपने मुझे बताना है, ओके। चलो नेक्स्ट पर्सन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये टाइप नंबर वन का ही है, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर है दो, टेन रेस टू पावर सेवन, कोट रेस टू पावर सेवन ज्ञात कीजिए। अब देखो हमेशा इस पे ही होगा, अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, क्या आइडेंटिटी पढ़ते हैं भाई, एक्स प्लस में वन बाई एक्स इजकल टू टू है, तो एक्स की कितनी भी पावर लिख के दे सकता है भाई, सात प्लस में वन बाई एक्स रेस टू पावर सात, ये क्वेश्चन पूछ ले। जब भी x प्लस में वन बाई एक्स बराबर है दो, तो यहाँ से हमेशा क्या होता है, x का मान एक होता है, x का मान एक ही रखना पड़ेगा, तब जाकर ये बात सेटिस्फाई हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है, राइट है ना। तो यहाँ एक की पावर सात प्लस में वन बाई एक की पावर सात, एक प्लस एक कितना आ गया बच्चों, दो आ गया, राइट है ना, एक ही आता है। यदि सोल्व भी करें तो सोल्व करके देख सकते हैं, ये कितना हो गया एक्स स्क्र प्लस वन, और ये एलसीएम वाला एक्स उधर चला जाएगा, दो एक्स इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस के दो एक्स प्लस वन बराबर है जीरो, और ये क्या हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर बराबर जीरो, तो इसका मतलब एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, तो एक्स का मान कितना एक। लेकिन आपके काम की बात यही है कि मान लीजिए कोई भी नंबर एक्स प्लस में वन बाई एक्स बराबर दे रखा है दो के, तो इसकी कितनी भी पावर कर दे, सात कर दे या कितने कर दे, जैसे यहाँ सात कर रखी है, तो अब आपसे पूछेगा तो एक्स का मान एक, एक और एक कितना हो जाएगा दो, वही यहाँ पर चीज़ है।
क्या है, टेन और कोट एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। यदि मैं एक सेकंड के लिए आपको समझाने के लिए टेन को मैं यहाँ एक्स मानूँ, तो ये देखो सिचुएशन क्या बनी। टेन यदि एक्स है तो कोट क्या होगा, उसका उल्टा नहीं होगा, तो कोट क्या होगा, वन उल्टा बराबर है कितने के, दो के देर का है। ये क्या पूछ रहा है, देखो एक्स की पावर सात, वन बाय एक्स की पावर सात, वही मसला हो गया ना। तो जब भी आपको टेन प्लस में कोट, एक दूसरे के उल्टे हैं ये टेन और कोट, टेन प्लस में कोट बराबर दो के दे रखा है, तो हमेशा आप क्या करोगे, टेन की वैल्यू भी एक लोगे और कोट की वैल्यू भी एक लोगे। ये तभी हो सकता है वरना नहीं हो सकता। टेन की वैल्यू भी एक और कोट की वैल्यू भी क्या ले ली आपने, एक ले ली। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वही बात फिर, एक की पावर सात प्लस में एक की पावर सात, एक प्लस में एक कितना, दो। राइट है, बच्चों आपको कह दें कि आपको भाई टेन थीटा हमेशा देता ही है, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर है दो। बताओ जिस ईयर में पेपर चल रहा होता है ना, उसी ईयर को पावर लगा देता है, जैसे कि टेन की पावर 2023 थीटा प्लस में कोट की पावर यहाँ 2022 कर दे थीटा, बताइए किसके बराबर है। तो जब भी आपको ये दे रखा हो तो बिना सोचे समझे एक ही बात है, टेन का मान एक और कोट का मान भी एक, और एक और एक तभी दो हुए हैं। ओके है ना, अलजेब्रा की उस आइडेंटिटी से ये बात प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ क्या है, एक की पावर 2023 प्लस में एक की पावर 2022, एक की कितनी पावर कर दो क्या होता है, एक, एक की कितनी पावर कर दो एक, कितना हो गया, दो। राइट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो दे दिया तो सीधे मतलब एक कोटवी, एक एक की पावर 100, एक की पावर 100, एक प्लस एक कितना आ गया, दो आपका आंसर है। अच्छा ये चीज़ कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन एक दूसरे के उल्टे हैं, टेन और कोट तो हैं ही, टेन और कोट पे हो जाएगी, साइन और सिकेंट भी दो हैं, कोस और सिकेंट भी दो हैं। आपको ऐसे ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, ऐसे भी दे सकता है भाई, साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा बराबर है दो। अब इनकी भी कितनी पावर कर देगा, कह देगा भाई साइन की पावर 99 थीटा प्लस में कोसेक की 99, बताओ। तो भी साथियों ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, वही काम हो गया, ये यदि एक्स है तो वन बाई एक्स है, सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ इसका मान भी क्या ले लोगे, एक, इसका मान भी क्या ले लोगे, एक, उठा के यहाँ रख दोगे, एक की पावर 99, एक की पावर 99, ये भी एक, ये भी एक, आंसर कितना हो जाएगा, दो। और बच्चों बीच में क्या दे रखा होता, माइनस, तो एक में से एक घट के फिर उत्तर कितना आ जाता, जीरो। यदि दोनों के आगे माइनस लगा रखा होता तो माइनस एक फिर माइनस के दो। राइट है ना, वो सिग्नेचर के हिसाब से आप देखते, साइन के अनुसार आप देखते रहोगे। आपको और दे क्वेश्चन। अच्छा कम्बिनेशन किसका हो गया, देखो टेन कोट का हो गया, साइन कोसिकेंट का हो गया, और किसका हो सकता है, और हो सकता है किसका, कोस और सिकेंट का। आपको कह दे भाई कोस थीटा प्लस में सिकेंट थीटा बराबर है दो, बताओ भाई कोस की पावर 2023 थीटा प्लस में सिकेंट की पावर 2024 थीटा, बताइए किसके बराबर है। तो अपने लिए इजी है चीज़ें। ठीक है, जब भी कोस और सिकेंट एक दूसरे को उल्टे हैं, एक्स प्लस वन वाई एक्स वाली वैल्यू बन गई, तो यहाँ से इसका मान भी क्या है, एक, इसका मान भी क्या है, एक। तो एक की पावर 2023 प्लस में एक की पावर 2024, तो ये कितना, एक प्लस एक, आंसर कितना, दो। ठीक है ना, क्लियर है। तो दोबारा से मैं लिख दूं कम्बिनेशन किस किस का हो सकता है, तीन कम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पर। पहला कि आपको टेन थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर दो दे रखा हो, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा टेन की कुछ भी पावर कर देगा प्लस में कोट भी कुछ पावर कर देगा, बताइए किसके बराबर है। नंबर दो हो गया बच्चों, साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा बराबर देगा दो के ही बराबर देगा। आप सोचो कि और सर और नंबर लिख देता तो नहीं, अलजेब्रा की आइडेंटिटी के दम पे ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया भी है, यदि आपने अलजेब्रा वाली वीडियो देखी हो तो, यहाँ साइन की भी कुछ पावर कर देगा थीटा, खासकर जिस ईयर में पेपर हो रहा होता है उस ईयर को ही पावर करके दे देता है। और थर्ड क्या बच गया अपना, नंबर तीन,
कि आपका कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, सेकेंड थीटा, बराबर है दो के, तो कॉस थीटा की कुछ भी पावर कर देगा, सेकेंड थीटा की कुछ भी पावर कर देगा, और बताइए भी, यानी कि एक की पावर उतने करते चलो, एक की पावर सम हो विषम हो क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, कर दो ये काम, ऐसा करता हूँ सिंपली है, आप आराम से सोल्व कर दोगे इसको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, चलो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था ना ट्रिग्नोमेट्री का, और मैं लंब और आधार पर बड़ा जोर लगा रहा था, तो क्यों लगा रहा था, देखो यहाँ से बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। आपको दे दिया भाई टेन 33 डिग्री बराबर है एक्स बटे वाई, तो 10 57 डिग्री का मान बताइए। तो देखो बच्चों, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, और अब की बार आपको थीटा भी दे दिया, एंगल भी दे दिया, अब की बार थीटा नहीं किया, एंगल भी दे दिया। थीटा मतलब यह एंगल हम ले रहे हैं, तो इसका मान दे दिया आपको 33 डिग्री, यह एंगल कितने डिग्री का, 33 डिग्री का। तो लंब कितना, एक्स, आधार कितना, वाई, सीधी सी बात है, राइट है ना। और ये तो हमें फाइनल है ही, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये 33 डिग्री है, 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है ये कितने डिग्री का कोण बचा, जो यहाँ दे रखा है यही बचा मिलेगा आपको, 57 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना बनाना है हमें, 180 बनाना है। तो 57 और 33 90, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन है 10 57 डिग्री बताओ। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए टेन क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 10 57 डिग्री। टेन होता है लंब बटे आधार, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अब आप देखो एंगल कौन सा, 57 डिग्री, 57 डिग्री के अनुसार देखो आप कि लंब कौन है और आधार कौन है। अब मैंने बताया था जिस पे एंगल बना होगा वो आधार होगा, और एंगल के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो बच्चों अब 57 डिग्री के अनुसार लंब ये है, और 57 डिग्री के अनुसार बेस यानी कि आधार ये है। तो 57 डिग्री के अनुसार लंब कौन है, वाई, और आधार कौन है, एक्स। यदि 10 33 डिग्री एक्स बटे वाई है, तो 10 57 डिग्री वाई बटे एक्स होगा, राइट है। 33 डिग्री के अनुसार लंब है एक्स, आधार है वाई, लेकिन 57 डिग्री के अनुसार लंब है वाई, आधार है एक्स। जिस भुजा पर कोण बना होगा वो आधार हो गई, उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अब यदि इस क्वेश्चन में ये भुजा है एक्स, ये है वाई, तो सीधी सी बात ये कितनी हो जाएगी, अनरूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, पाइथागोरस प्रमेय में से आप इसको जानते हो। अब उससे दो क्वेश्चन करें यहां इसमें, एक क्वेश्चन है आप भी मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन करें यहां भाई कोस 33 डिग्री बताओ, और एक क्वेश्चन करें यहां कि कोस 57 डिग्री बताओ। तो हमें पता है सीधी सी बात है, कोस होता है आधार बटे करण, कोस होता है आधार बटे करण, लेकिन 33 डिग्री के अनुसार आधार कौन है, वाई, करण तो दोनों के लिए सेम रहेगा वाई, और करण कितना, अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। लेकिन मुझे कहे कोस 57, तो कोस 57 के लिए आधार कौन है, एक्स, और करण तो दोनों के लिए सेम है ही, अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर। मुझे यहां कहे कि भाई साइन 57 डिग्री का मान बताइए, तो साइन मुझे पता है होता है लंब बटे करण, लेकिन अब मुझे ये देखना है 57 डिग्री के अनुसार लंब कौन है और आधार कौन है। 57 डिग्री के अनुसार लंब जो है वो वाई है, तो वाई बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आप बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि लिखा होता कि भाई साइन 33 डिग्री बताओ, तो साइन 33 डिग्री, साइन पहले तो ये देखो साइन कौन होता है, साइन होता है लंब बटे करण, लेकिन अब देखो 33 डिग्री के अनुसार लंब कौन है, 33 डिग्री के अनुसार लंब एक्स है, करण तो सेम है ही। तो बच्चों यदि साइन 57 की बात करूं तो ये है, और साइन 33 की बात करूं तो ये है, क्योंकि यदि एंगल चेंज करोगे तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं बड़ा जोर लगा रहा था कि सारा खेल लंब और आधार का है, तो पहले आप कंफर्म करो कि लंब कौन है और आधार कौन है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया 10 43 डिग्री बराबर एक्स बटे वाई, तो कोस 47 डिग्री का मान बताओ।
हम खिलाड़ी बन चुके हैं इस चीज के। जो कॉन्सेप्ट था मैंने शुरू में भी जोर लगा के बता दिया था और अब भी बता रहा हूँ। ये कितने डिग्री? 90 डिग्री, सीधी सी बात है। तो थीटा का मान दे रखा है, ये हम थीटा ले रहे हैं 43। टेन होता है लंब बटे आधार, तो सीधी सी बात है लंब कितना है एक्स, आधार कितना है वाई। ये 90, ये 43, तो ये कितना बचा, ये 47 डिग्री का कोण बचा। और ये भाई एक्स वाई, तो सीधी सी बात है तो कर्ण कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कोस 47 डिग्री, कोस होता है, पहले तो ये देखो कोस क्या होता है। अब आप कहोगे सर को एंगल के अनुसार लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये तो नहीं बदल जाएंगे, ये सेम ही रहेंगे सभी एंगल के लिए। कोस होता है आधार बटे कर्ण, एंगल कोई भी हो, बट ये डिपेंड करता है उस एंगल के अनुसार आधार कोण बनेगा। ओके, तो 47 डिग्री के अनुसार आधार कोण बनेगा, सीधी सीधी बात है एक्स बनेगा। कर्ण, कर्ण में तो सोचने की बात होती नहीं, दोनों के लिए सेम है। ओके भाई, क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोस 33 डिग्री बराबर है एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन 57 डिग्री का मान बताइए। ओके, तो सबसे पहले कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका आधार कितना है एक्स है, कर्ण कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो सीधी सी बात है जो लंब है वो क्या होगा, वाई होगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर करोगे तो वाई आपका लंब निकल आएगा। और ये कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, ये 33 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये 33 का, तो सीधी सी बात है ये कितना का बचा, 57 का, क्योंकि ये फाइनल होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। हमसे क्वेश्चन क्या हुआ, टेन 57। पहले तो ये देखो क्या पूछा है, साइन कोस टेन कोस सेकंड कोस सेकंड में कौन पूछा है, टेन, एंगल पे बाद पे जाएंगे। तो टेन होता है लंब बटे आधार। अब आप देखो 57 डिग्री के अनुसार लंब कौन है, आधार कौन है। 57 डिग्री के अनुसार जो लंब है वो कौन है एक्स है, और आधार है वो कौन है वाई है। बस ये बातें आपने देखनी है और आपका क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इस लेवल का, और इसके बाद ये टाइप आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, टाइप नंबर एक, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, राइट है? साइन 17 डिग्री बराबर एक्स बटे वाई, तो साइन सेकेंड 17 माइनस में साइन 73 डिग्री। पहले तो ये देखो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे करण। तो ऐसी ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका लंब कितना है एक्स, जिसका कर्ण कितना है वाई। ओके, और ये कितने डिग्री का एंगल है, 17 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो भाई यदि कर्ण वाई है और ये एक्स है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो आधार है वो हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। और ये 17 डिग्री, तो सीधी सी बात है ये कितने डिग्री का, 73 डिग्री का, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का, 90, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए और इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो देखो हो रहा है ना 90, ठीक है। अब जो पूछ रहा लिख देते हैं, पहले बोला सेकेंड 17। भाई सबसे पहले तो बात ये है, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है कर्ण बटे में आधार, लेकिन एंगल कौन सा है 17 डिग्री। तो आप देखो 17 डिग्री के अनुसार कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कर्ण के, कर्ण का तो कोई सोचने की जरूरत है नहीं। आधार कौन है 17 डिग्री के अनुसार, 17 डिग्री के अनुसार आधार ये है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73 डिग्री। साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब 73 डिग्री के अनुसार लंब देखो कौन है, 73 डिग्री के अनुसार लंब यही है, सामने वाला लंब होगा ना, तो लंब कौन है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में कर्ण, कर्ण कितना भाई वाई। बस हमें एंगल के अनुसार लंब और आधार या कर्ण, कर्ण का तो सोचने की जरूरत नहीं, दोनों के लिए सेम रहेगा, लंब और आधार की वैल्यू हमें रख देनी है। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से एलसीएम ले ले, वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की यहाँ गुणा होगी, वाई गुणा वाई क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, बीच में क्या आ गया माइनस, और इनकी गुणा होगी, इनकी गुणा होगी तो इनका रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट अंडर रूट गुणा अंडर रूट करोगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या बचा अंदर, वाई स्क्वायर माइनस के
एक्स स्क्वायर, और इसको यदि हम आगे खोलते हैं तो ये ऊपर क्या है वाई स्क्वायर, ये माइनस के वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन ये था ही अंडर रूट वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री की, यदि मैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बात करूं या 10वीं बेस के किसी भी टेस्ट की बात करूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 का जो ग्रुप डी हुआ तो उसमें टाइप नंबर एक से ही क्वेश्चन था, राइट है ना। अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी तो अलग अलग फेज करके अभी तो हमें टेबल बनानी है, राइट है भाई। फिर उसके बाद 90 डिग्री से बड़े एंगल वैल्यू निकालनी है, और टाइपें पढ़नी है, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखनी है, हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन हमें पढ़ना है। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को अपने माइंड में जचा लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम फिर समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के लिए इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट मिलेगा जल्दी आऊँगा, उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखें और अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है जो नंबर मैंने दिया है उस पर मुझे बताएं। असल में प्रॉब्लम आपको आएंगी नहीं, क्योंकि मैंने सारा क्लियर करवा दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री का जन्म कैसे हुआ, ट्रायंगल किस तरह से काम करती है, और लंब और आधार किस तरह से काम करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और जल्दी ही हम मैथमेटिक्स के जो टॉपिक बाकी उनको भी खत्म कर लेंगे और एडवांस को भी खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, हैव नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचा के शेयर करके, जो आप किसी ग्रुप में हो, किसी स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, या फिर भाई आप स्टेटस लगा के पहुँचा सकते हो, तो ज़रूर इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इन टॉपिक को बड़ा आसान बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को बड़ा कर सकें, जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही सारी चीज़ें अपने पास आएंगी और मैं उनको सोल्व कर सकूं, और मुझे भी सीखने को मिले और आप लोगों को भी मैं सिखा सकूं। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके।